नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मुझे इंस्टा पे मैसेज आते हैं और पूछते हैं कि भैया SBI बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये क्वेश्चन मुझसे क्यों कर रहे हो। तो बोलते हैं कि SBI बैंक वाले अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, जबकि अगर हम SBI को छोड़ के अदर बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तो वो लोग रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं। इसलिए हम आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैं उनको रिप्लाई देता हूँ कि सभी आदमी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ ही आदमी होते हैं, कुछ ही आदमियों की वजह से सभी लोग बदनाम होते हैं। बाकी आपका पैसा है, आपको अकाउंट किस ब्रांच में ओपन कराना है, किस बैंक में कराना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप अभी SBI बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना अगर आप भी SBI बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो। तो अगर आप अभी SBI ब्रांच में जाके हो सेविंग अकाउंट ओपन कराते हो तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपने अकाउंट तो ओपन करा लिया है, लेकिन आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनका ज़्यादातर क्वेश्चन यही रहता है, क्योंकि वो लोग बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलते हैं या फिर नहीं हो सकता उनसे, तो बैंक जो होता है उनसे पेनल्टी वसूल करती है। लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी, आप इसको एक प्रकार से जीरो बैलेंस समझ सकते हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हो गया कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका अकाउंट तुरंत से ओपन हो जाता है, अगर वो आधार कार्ड के थ्रू ओपन होता है तो, और आपको पासबुक भी तुरंत मिल जाएगी। अगर आप फॉर्म वगैरह फिलअप करके और जमा करते हो सकता है कि उसमें एक सप्ताह लग जाए अकाउंट ओपन होने में। इसके बाद से जैसे आपका अकाउंट ओपन होता है उसके एक हफ्ते के बाद आपका ATM कार्ड और आपकी जो चेक बुक है आपके घर के एड्रेस पर आ जाएगी। आप देख सकते हो इस प्रकार से, जब मेरा अकाउंट ओपन हुआ था आधार कार्ड के थ्रू होम ब्रांच में, तो मुझे जो पासबुक होती है वो तुरंत से मिल गई थी और जो अकाउंट नंबर है और CIF नंबर है मुझे तुरंत से मिल गया था। इसके बाद से एक हफ्ते के बाद मेरा ATM कार्ड और चेक बुक आई थी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको ATM कार्ड मिलता है, ज़्यादातर तो रुपे डेबिट कार्ड मिलता है, तो इसका आपको फर्स्ट टाइम में तो फ्री मिल जाता है। इसके बाद से जैसा ही एक साल होता है तो इसका जो मेंटेनेंस चार्ज होता है एक साल का, वो आपको ₹147 देना पड़ेगा। मतलब देना तो नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक से आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। तो आपका ATM कार्ड फर्स्ट टाइम में और आपको जो चेक बुक है वो फ्री में मिल जाएगी। इसके बाद से ATM कार्ड का एनुअल चार्ज ₹147 ऑटोमेटिक से आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। तो पहली बार तो 10 पेज की चेक बुक भी आपको फ्री मिल जाती है, और अगर आप चेक से ज़्यादा पेमेंट करते हो, ज़्यादा लेन देन करते हो और ये ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद से आप दोबारा से 10 पेज की अप्लाई करते हो तो आपको ₹40 प्लस GST देना पड़ेगा। वहीं अगर आप 25 चेक की बुक लेते हो तो आपको ₹75 प्लस GST देना पड़ेगा। इसके बाद आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, क्विक फैसिलिटी और SMS अलर्ट वगैरह मिल जाता है, और आप महीने में जितना भी ट्रांजेक्शन करते हो, जो भी स्टेटमेंट होती है, हर महीने आपके ईमेल पर सेंड कर दिया जाता है ऑटोमेटिक से। इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। अब बात करते हैं कि आपका अकाउंट तो ओपन हो गया है और आप इस पर पैसा रखना चाहते हो तो कितना पैसा रखें। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कितना भी पैसा रख सकते हो, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप ऐसे नॉर्मली पैसा रखते हो तो उस पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम होता है। मतलब ₹2 से लेके 50 पैसे या फिर ₹2.70 तक होता है। तो इससे अच्छा ये होता है कि आप FD कर दीजिए। अगर आप अभी इस टाइम में FD करोगे तो आपको 5.5% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका ATM कार्ड आपको मिल गया है तो आप इंटरनेट बैंकिंग बना लीजिए और सब कुछ आप उसी से ट्रांजेक्शन करिए। आपको इस प्रकार की जो चेकबुक होती है ये ऑटोमेटिक से घर पे ही पड़ी रहती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरी जो चेकबुक है अभी भी पड़ी है, मैं इसको यूज में नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो भी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, सब कुछ मोबाइल से होता है। जब मेरी जो पेमेंट आती है और मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ATM मशीन में जाता हूँ और जितना खर्च होता है उसके अकॉर्डिंग में निकाल के लेके आ जाता हूँ। अब बात करते हैं कि अगर आप ATM मशीन से पैसा निकालते हो तो आप कितना अमाउंट तक निकाल सकते हो, मतलब
एक दिन में कोई लिमिट है या पर नहीं है, या पर फ्री ट्रांजेक्शन हमको कितने मिलते हैं एक महीने में, तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने डिटेल से बताया है कि आपको फ्री ट्रांजेक्शन एक महीने में कितने मिलते हैं। और दूसरी बात, अमाउंट की अगर हम बात करें कि आप डेली कितना निकाल सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आपके एटीएम कार्ड के ऊपर कि वो कितना कैपेसिटी वाला है, वो कितना कैपेबल है, क्योंकि अलग अलग एटीएम कार्ड में ये वेरी करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने जो एसबीआई अकाउंट के मोटे मोटे पॉइंट बताए हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो आप ज़रूर एसबीआई में अपना सेविंग अकाउंट ओपन ज़रूर करा लोगे। वहीं अगर आप अदर बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो, तो अभी भी आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी ज़रूर देनी पड़ेगी। और बहुत से भी हिडन चार्ज होते हैं जो कि ये लोग बताते नहीं हैं, जब आप अकाउंट ओपन करा लेते हो इसके बाद से आपको पता चलता है, लेकिन एसबीआई में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट तो मैंने बता दिया है अभी के तौर पे कि आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर में अगर कोई पॉलिसी आती है, कोई नियम रूल्स आते हैं, तो मैं आपको उस पर वीडियो बना के ज़रूर बता दूंगा। और मेरा भी जो अभी अकाउंट ओपन हुआ है सेविंग वाला, उस पर भी कभी पैसे रहते हैं, कभी पैसे नहीं रहते हैं, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है।